अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, सब आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, इससे पहले हम लोग अपनी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, और अब जो है आज से हम लोग जूम क्लासेस के जरिए अपना सिलेबस आगे लेकर जाएंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक मुश्किल वक्त है, जब पूरा हमारा, बल्कि पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त जिस वबा की वजह से परेशानी की में मुब्तला है। तो हम सब लोगों के लिए वो परेशानी का वक्त है, लेकिन बहादुर कौमें वो होती हैं जो हर परेशानी का और हर मुश्किल का हल जो है वो निकाल लेती हैं और जरूरतमंदी के साथ हालात का मुकाबला करती हैं। तो आप सब स्कूल नहीं आ सकते, हम आपके सामने खड़े होकर कमरे जमात में आपको वैसे नहीं पढ़ा सकते, लेकिन तो क्या हुआ, हमारे पास इसका हल मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जूम के जरिए बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि आप कमरे जमात में मौजूद हैं। तो इस वक्त जो है हमारा उर्दू का लेक्चर जो है वो शुरू हो चुका है, जमात शशम का उर्दू का लेक्चर है। और इससे पहले हम लोग जो है अपनी हम्द और जो नात है वो मुकम्मल तौर पर अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में तमाम जो चीज़ें थी हमने उन पर जो है वो बहस मुबाहसा किया, हमने उसका मफहूम भी बयान किया, उसको पढ़ के भी देखा, और शायर का नाम, नज़म का नाम, उसके सवालात के जवाबात, मुश्किल अल्फाज के मानी, ये सब जो चीज़ें हैं हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज जो है हमारा अगला सबक है वो आप सब देखेंगे, मादरे मिलत फातिमा जिना। तो फातिमा जिना, आप जब भी कभी फातिमा जिना का नाम आता है तो फौरन से हमारे जहन में जो है वो यही आता है कि कायद आजम की बहन, ठीक है। और कयाम पाकिस्तान का अगर जिक्र आ जाए, पाकिस्तान के बारे में, तहरीक पाकिस्तान का जिक्र आए और मुस्लिम लीग ने कैसे पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें की, तो जहां जहां पर कायद आजम का नाम आता है वहां मादरे मिलत फातिमा जिना का नाम खुद ब खुद हमारे जहनों में आ जाता है। तो आज अपनी किताब में जो हमारी सबक मौजूद है, सफ़ा नंबर 9 पर है, मादरे मिलत फातिमा जिना। तो जिन जिन के पास उर्दू की किताबें मौजूद हैं वो अपनी किताबें खोलें। आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं साथ साथ हम उनके मानी भी बताएंगे और उनको आप मानी जो हैं उनको खत कशीद करते जाएंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर उसको मानी को आप अपनी किताब पर लिख लें, वरना अलग से एक सफ़े पर आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मुश्किल अल्फाज के मानी जो होते हैं ये हमें मददगार हमारे लिए साबित होते हैं कि हम इस सबक को कैसे समझ सकते हैं, और अगर इसमें एक जो हमारे इम्तिहानात होते हैं उसमें एक सवाल आता है सलीस उर्दू का, कि एक पैराग्राफ दिया जाता है कि हमें जिसकी सलीस उर्दू करनी होती है, तो जब हमें मुश्किल अल्फाज के मानी आते हैं तो वो सवाल करना हमारे लिए नहायत आसान हो जाता है, ठीक है। वो हम मजीद इस पर आगे बहस करेंगे जब हम ये सबक मुकम्मल कर लेंगे, आज सिर्फ उसका थोड़ा सा मैंने आपको तारुफ बताया था। तो आइए हम फिर अपने सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मादरे मिलत फातिमा जिना। मोहतरमा फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना से करीबन 17 साल छोटी थी, ठीक है। मोहतरमा फातिमा जिना अभी छोटी ही थी कि उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। साया सर से उठ जाने का मतलब भी यही होता है कि उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। इन दिनों कायदे आजम मोहम्मद अली जिना बॉम्बई में वकालत कर रहे थे। अब बॉम्बई जो है ये पुराना नाम है, अब इसको मुंबई कहा जाता है, ठीक है। पहले इसका नाम जो था वो बॉम्बई था, अब इसको मुंबई कहा जाता है। तो वहां पर जो है वो वकालत कर रहे थे। वालदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फातिमा जिना को बॉम्बई बुलाया, ठीक है। अब जब पहले उनकी वालदा का भी इंतकाल हो चुका था, अब उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया, तो क्योंकि वो उनकी छोटी बहन थी इसलिए कायदे आजम ने उनको अपने पास बुला लिया। अब मोहतरमा फातिमा जिना की तालीम का आगाज तो
कराची में ही हो चुका था, ठीक है। यानी कि जब वो जाहिर सी बात है कि छोटी सी थी तो उनका स्कूल जो था वो शुरू करवा दिया गया था। फिर बॉम्बे पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। इम्तियाजी नंबरों से मुराद क्या है कि बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होना, ठीक है, कि वो मैट्रिक इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुई। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया, ठीक है। डेंटल सर्जन से क्या मुराद है, दांतों के डॉक्टर, यानी कि वो मेडिकल में जो मेडिकल का शोबा होता है, जो शोबा तिब होता है, उसमें दांतों की सर्जरी जो होती है वो एक अलग से एक शोबा होता है, तो उन्होंने वो दांतों की डॉक्टर बन गई, ठीक है, और बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने वो इम्तिहान भी पास किया। फिर है डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बॉम्बे में अपना क्लिनिक खोल लिया। मतलब ये कि जब वो तालीम मुकम्मल कर चुकी फिर उन्होंने अपना एक क्लिनिक बनाया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा जमाने तालिब इल्मी ही से इनमें मौजूद था। अब समाजी काम क्या होते हैं, समाज से निकला है समाजी, यानी मुआशरे के हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे मुआशरे में रहते हैं, उनकी खिदमत करना। मतलब ये कि जिस जिसको जहां जहां जरूरत होती थी वो उनकी जो है इलाज के जरिए भी और बहुत से तरीकों से वो उनकी मदद किया करती थी। 1929 में ये आवाज नहीं आ रही, अच्छा 1929 में जब कायदे आजम की अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल हुआ, अहलिया किसे कहते हैं, जौजा को, बीवी को, ठीक है, जब उनका इंतकाल हो गया यानी वो दुनिया से चली गई, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया, ठीक है। खैरबाद कह देने का क्या मतलब है, अपने डॉक्टरी के पेशे को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। खैरबाद कह देना, छोड़ देना, इसका मतलब लिख लें साथ साथ, और कायदे आजम के पास आ गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायदे आजम की मोतमद साथी थी। मोतमद किसे कहते हैं, जिस पर एतमाद किया जा सके, ठीक है, काबिले एतमाद। क्योंकि कायदे आजम जो है वो सियासत के मैदान में भी, जब क्योंकि आप जानते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे और पाकिस्तान बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे, तो वो फातिमा जिन्ना पर बहुत एतमाद करते थे, क्योंकि फातिमा जिन्ना जो है हमेशा उनको बहुत मुफीद मशवरों से नवाजा करती थी, क्योंकि बहुत जो है वो जहीन और बहुत दूर अंदेश खातून थी, ठीक है। और तहरीके पाकिस्तान में इनकी मुआवन और मुशीर रही। मुआवन किसे कहते हैं, मददगार को, और मुशीर मशवरा देने वाला, ठीक है, कि तहरीके पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान बनाने के हवाले से वो हमेशा जो है वो फातिमा जिन्ना के मशवरों को बहुत अहमियत दिया करते थे, ठीक है जी। यहां तक हो गया, आपने मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ध्यान से अपने सारे मानी जो है वो आप लिखते जाएं, और जो समझ नहीं आएगी वो आखिर में फिर हम उसके बारे में बात कर लेंगे। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया, ठीक है, हर मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में। कायदे आजम जब गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी उनके साथ थी। उन्होंने गोल में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आजम को निहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए, ठीक है, निहायत इनके बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखें कि अपने वो इतनी दूर भी उनके साथ गई तो साथ ले जाने का मकसद ही ये था, क्योंकि वो एतमाद करते थे कि वो बहुत जो है वो समझदार खातून है और उनको वो अच्छा मशवरा देंगे, ठीक है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना आला तालीम याफ्ता निहायत दूर अंदेश और जुरतमंद खातून थी। दूर अंदेश किसे कहते हैं, बहुत दूर की सोच रखने वाला, मतलब उनके अंदर बसीरत थी, समझदार थी, और जो है आने वाले वक्त के बारे में वो पहले से ही अंदाजा लगा लेती थी कि हम अगर ये अमल करेंगे तो उसके ये नतायज निकलेंगे, और बहुत जुरतमंद खातून थी, बहादुर थी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त जो है मुसलमान भी इतने सालों से ख्वाब गफलत में थे, उनको जब इतना एहसास नहीं था कि हमारे हकूक क्या हैं, हमें किस तरीके से अपने हकूक के लिए जंग करनी चाहिए, तो ऐसे में अगर एक खातून जो है वो कायदे आजम का साथ दे रही थी और पाकिस्तान हासिल करने के लिए वो खवातीन को जो है वो रागिब कर रही थी, तो ये उनकी जुर्रत का एक मुंह बोलता सबूत था कि वो इतनी बहादुर भी थी कि उन्होंने अंग्रेज और हिंदुओं की जो चालें थी, जो उनकी अयारियां थी, उनका मुकाबला बहुत बहादुरी के साथ किया और अपने भाई का हमेशा साथ दिया, ठीक है।
उन्होंने मुस्लिम खवातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने में निहायत अहम किरदार अदा किया। अब देखिए कि बेदार करने से मुराद, बेदार का लफ्जी मतलब होता है जगाना, ठीक है, लफ्जी मतलब होता है जगाना, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद, बेदार से मुराद ये है कि उनको समझाना, उनको बताना कि वो कैसे अपने हकूक के लिए जंग लड़ें और कैसे जो है वो अपने पाकिस्तान को अपना एक नया मुल्क हासिल करने के लिए वो कैसे कोशिश कर सकती हैं और कौन कौन से अहम काम हैं जो वो कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें फिर उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया। अब आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग के अलावा और भी ऐसी जमातें थीं कि जो ये दावा करती थी कि हम मुसलमानों की जमात हैं, लेकिन सारी जमातें जो थीं वो मुखलिस नहीं थी। असल जो मुखलिस जमात थी उस वक्त वो मुस्लिम लीग थी। तो फातिमा जिना ने जो लोग परेशानी का और इंतशार का शिकार थे, वो सोचते थे कि हम कहाँ जाएं और किसकी बात सुने, क्योंकि जब इंसान इंतहाई परेशानी में होता है और उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है उस वक्त अपने मुखलिस साथी का इंतखाब करना। तो फातिमा जिना ने उस वक्त खवातीन को ये एतमाद दिया कि आपका जो मुखलिस है, आपकी जो मुखलिस जमात है वो मुस्लिम लीग है, और उनको बताया कि मुस्लिम लीग के जरिए ही आप लोग पाकिस्तान हासिल कर सकते हैं, आपके हकूक का तहफ्फुज़ सिर्फ इसी सूरत में होगा कि आप इस जमात के जरिए अपना काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। वक्फ करने का मतलब क्या होता है, कुर्बान कर देना, और कौमी मफाद क्या होता है, अपनी कौम के फायदे, अपनी कौम के लिए उन्होंने सारी जिंदगी वक्फ कर दी। देखिए ना, अपना पेशा भी छोड़ दिया और फातिमा जिना ने शादी भी नहीं की। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही था कि अपने भाई के साथ मिलकर अपने अपनी कौम की खिदमत करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, उन्होंने हर कदम पर कायदे आजम का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रही। शाना बशाना किसे कहते हैं, साथ साथ, ठीक है। वो खवातीन के कौमी सियासी और सामाजिक किरदार के साथ साथ, सामाजिक किरदार से मुराद क्या है, वही माशरे में उनका किरदार होता है, साथ साथ इनके घरेलू किरदार से भी बराहे रास्त वाबस्ता थी। बराहे रास्त जिसको आप डायरेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि वो सिर्फ खवातीन से ये बात नहीं करती थी कि वो उनको बताएं कि ये सियासी मसला है, उनके घर में क्या हो रहा है, इससे वो बेखबर नहीं थी, बल्कि वो उनके घरेलू मसाइल भी सुनती थी। क्योंकि जब इंसान अगर अपने घर के मसाइल हल नहीं कर सकता तो फिर वो बाहर निकल के भी मसाइल हल करना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। तो वो इस सूरत में ख्वातीन को बहुत अच्छे मशवरों से नवाजा करती थी, उनके घरेलू मसाइल, उनके अंदर के मसाइल जो घर के अंदर थे, या जो उनके सियासत के हवाले से, उनके मुआशरे के हवाले से, हर किस्म के जो है वो मसाइल सुनकर उनको हल बताती थी, ताकि जो है ख्वातीन परेशानी से निकलें और निकलने के बाद वो अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कोशिश कर सकें, ठीक है। उन्होंने मुस्लिम खवातीन की सियासी और फिक्री रहनुमाई के साथ साथ खवातीन के आम घरेलू मसाइल में भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई फरमाई। हौसला अफजाई, अभी जो मैंने आपको ये सारी बात बताई, इस जो सतर है इसका मतलब यही बनता है, हौसला अफजाई करना, हौसला बढ़ाना, ठीक है, और रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना। मानी लिख रहे हैं ना आप लोग साथ साथ, ठीक है। चलें जी आगे। मोहतरमा फातिमा जिनाह ने खवातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की, ठीक है। अब उनको बताया कि जब वो मुस्लिम लीग में शामिल होना शुरू हो गई खवातीन, तो उन्हें बताया कि वो कैसे काम कर सकती हैं, ठीक है, और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बुनियादी किरदार अदा करने का मतलब क्या होता है, अहम किरदार अदा करना, यानी कि उन्होंने खवातीन को बताया कि आप अमली तौर पर कैसे इसमें शामिल हो सकती हैं। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला और राना लियाकत अली खान के साथ मोहतरमा फातिमा जिना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की खवातीन कमेटी की मेंबर थी, ठीक है। अब ये कुछ और खवातीन का नाम भी ले रहे हैं कि जिन्होंने फातिमा जिना का साथ दिया और मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। उन्हें खवातीन के हल्के में बेपनाह मकबूलियत और इज्जत हासिल रही, ठीक है। खवातीन के हल्के में मुराद ये कि जो खवातीन थी सारी, उनमें बेपनाह का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और मकबूलियत का मतलब क्या होता है, शोहरत हासिल होना, यानी कि लोग उनको पसंद करते थे और उन्हें इज्जत देते थे। वो खवातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती,
और उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थी। तरगीब देना, रागिब करना, उनको उस तरफ लेकर आना, उन्हें समझाना, ठीक है, कि वो कैसे जो है अपनी हर किस्म की कुर्बानी दे, क्योंकि जब हमें कोई बहुत अजीम मकसद हासिल करना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई कुर्बानी देना पड़ जाती है। अब यहाँ देखें कि ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है कि वो अपने घर में रहते हुए, अगर कोई खातून जो है वो नौकरी कर रही है या घर में अपने बच्चों को संभालती है, घरेलू काम काज होते हैं, तो इन सब कामों के साथ साथ अगर वो तहरीक पाकिस्तान में निकल कर, अपने घर से बाहर निकल कर तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेती थी, तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता था। तो उसके लिए उनको जो है अपना जो फारिग वक्त था उसकी कुर्बानी देनी पड़ती थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनको मेहनत की ज़रूरत थी, इसलिए जो है फातिमा जिन्ना ने उनको इस तरफ रागिब किया कि जब हमें किसी बड़े मकसद को हासिल करना होता है तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हुआ कि कायद आजम ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान ख़वातीन के हवाले से तमाम उमूर की निगरानी का फरीजा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सौंप रखा था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, उमूर की निगरानी का मतलब क्या होता है, उमूर कहते हैं काम को। अब मतलब क्या है कि जो ख़वातीन के विंग होते हैं कि आज ख़वातीन का जलसा होगा या कोई ख़वातीन की मीटिंग होगी, जो कुछ भी होगा, इस हवाले से तमाम जो फ़राइज़ थे वो फातिमा जिन्ना को सौंप रखे थे, उनको दे दिए थे, उनके हवाले कर दिए थे, ठीक है। सौंप देना, हवाले कर देना, कि फातिमा जिन्ना इसको खुद से देखें कि उन्होंने ये कैसे करना है। क्वेटा के मकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फरमाया, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। बटा सकना यानी कि उसमें मददगार साबित होना, ठीक है, मदद करना। इस वक्त हमारी ज़रूरतें चार हैं, यानी इक्तसादी, इक्तसादी कैसे कहते हैं, जो मुआश के हवाले से होती है, ठीक है, पैसों के हवाले से होती है, मुआशरती, माशरे की, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी कुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली कुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। अमली कुव्वत किसे कहते हैं, यानी कि अमल करना। अब सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, अमल करना चाहिए, ठीक है, और इस तरह का जज्बा पैदा करें कि हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये खिताब था जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ख़वातीन से किया, जिसमें उनको उन्होंने तरगीब दी कि आप कैसे कोशिश करके और मेहनत के साथ अपने अलग वतन के लिए कोशिश कर सकती हैं, अपने अलग वतन हासिल करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो आज हम बस यहाँ तक ही अपनी पढ़ाई करेंगे, तो इंशाल्लाह जो बाकी का हमारा वो होगा लेक्चर, वो जो हमारी पढ़ाई, जो हमारा सबक बाकी रह जाएगा, वो हम कल मुकम्मल कर लेंगे। तो अगर आपके पास किताब नहीं भी होगी तो मैं जो हमने आज सफहात पढ़े हैं उन सफहात की तस्वीर लेकर इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप वहाँ से देखकर पढ़ाई कर लें और जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं आप उनको भी याद करें। कि मैं बार बार आपसे इस बात पर मैं बहुत जोर दे रही हूँ, दोहरा रही हूँ कि मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो आपने ज़रूर साथ साथ लिख लें उसको और याद भी करें, क्योंकि जब तक हमें अल्फाज के मानी याद नहीं होते तब तक हम उस सबक को सही तरीके से समझ नहीं सकते, ठीक है। याद करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यही अल्फाज बार बार मुख्तलिफ असबाक में आते हैं, जब हम इनको याद कर लेते हैं तो फिर हमारा जो उर्दू ज़ुबान पर उबूर है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें हासिल हो जाता है। और ये जो हमें मुश्किल पेश आती है ना कि हमें तो उर्दू बहुत मुश्किल लगती है, वो इसलिए मुश्किल लगती है, जितनी हम कोशिश करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हमें उसका फल भी ज़रूर मिलता है, ठीक है। फिर हमारी कौमी ज़ुबान है और कभी भी आप उर्दू ज़ुबान से बेजार जो होते हैं उसका, बेजारियत का इजहार करते हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल है जी, हमसे नहीं होगी, उफ़ल्ला उर्दू, ये तो ये मत किया करें, क्योंकि सबसे पहले ज़िंदा कौमों की ये निशानी होती है कि जो उनकी कौमी शनाख्त होती है, जो चीज़ें, वो उनको कभी फरामोश नहीं करती। तो जैसे कि बहुत सी चीज़ें हमारी कौमी शनाख्त हैं, ऐसे ही हमारी उर्दू की जो ज़ुबान है वो हमारी सबसे पहली शनाख्त है, क्योंकि जब भी हम कभी कहीं भी चले जाएं दुनिया में, उर्दू ज़ुबान हमारी पहचान रहेगी हमेशा से, और हम अपनी ज़ुबान से पहचाने जाएंगे। इसलिए अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करें, जितनी मोहब्बत करेंगे वो हमारे लिए आसान होती जाएगी, ठीक है। तो आज हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जिक्र किया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं, पहले हमने उनकी थोड़ी सी जो है उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात की कि कैसे उन्होंने बचपन में तालीम हासिल की और डेंटल सर्जन बनी, फिर क्लिनिक बनाया,
उसके बाद उन्होंने फिर वो क्लिनिक छोड़कर उन्होंने कायद आजम का साथ दिया और मुस्लिम लीग के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिशें अपनी की और मुस्लिम ख़वातीन को एक जगह पर इकट्ठा किया और जो है वो उन्होंने उनको उनके अंदर अमली रूह फूंक दी। ठीक है, तो बाकी जो हमारा सबक रह गया है इंशाल्लाह वो हम अपने कल के लेक्चर में मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं आ रहा, किसी सतर का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ, सवाल है तो पूछें। जी बेटा, हाँ जी, कोई सवाल है तो बताएं बेटा। चले जी, मेरा ख्याल है कि कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो आप ये आज अपने सबक की दोहराई जो है मुकम्मल करेंगे, इसको पढ़ के ज़रूर देखेंगे एक दफ़ा और मुश्किल अल्फाज के मानी को भी याद करेंगे। इंशाल्लाह हम फिर अपना सबक जो है अगले लेक्चर में मुकम्मल कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।